भारतीय जनता पार्टी के सांवेर विधानसभा उम्मीदवार पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान वे एक रैली के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन सहित अनेक दिग्गज मौजूद थे। सिलावट के साथ इतना जनसमूह देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने नामांकन दाखिल करने के पहले स्थानीय भाजपा कार्यालय पर हजारों कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद वे उन सभी के साथ एक बड़ी रैली के रूप में तहसील कार्यालय पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। इस नामांकन रैली में शामिल जन सैलाब को देख कर सांवेर की आम जनता में यह चर्चा चल पड़ी कि अभी यह हाल है तो मतदान वाले दिन क्या होगा। निश्चित तौर पर तुलसीराम सिलावट के सभी विरोधी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। इस नामांकन रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, सावन सोनकर, गोपाल सिंह चौधरी, देवराज सिंह परिहार, सोमेश्वर पटेल, इकबाल सिंह गांधी, भगवान परमार, सतीश मालवीय, भारत सिंह चौहान, अंतरदयाल, दिलीप चौधरी, संदीप चंगेड़िया सहित अनेक दिग्गज मौजूद थे। मीडिया से चर्चा में सिलावट ने कहा कि सांवेर विधानसभा विकास और प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। वहीं सावन सोनकर ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने उपचुनाव में तुलसीराम सिलावट को 54,000 मतों से विजय दिलाई थी, अब हम इस चुनाव में तुलसीराम सिलावट को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। नामांकन दाखिल करते समय सिलावट के साथ सावन सोनकर मंडल अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी, जितेंद्र आंजना, गोविंद सिंह राजपूत, सुधीर भजनी, नीरज जागीदार मौजूद थे। साथ ही नामांकन रैली में चंद्रावतीगंज क्षेत्र से भाजपा सोनू देसाई, ओम मंडलोई, मनोहर ठाकुर, महेश भदौरिया, मुकेश खंडेलवाल, गजेंद्र भदौरिया, रूपनारायण कुमावत, मधुसूदन टॉक, शेखर ठाकुर, लक्ष्मी नारायण चांगल, मोहन प्रजापत, गणेश यादव, प्रेम सिंह आंजना, भैरू सिंह कछावा, भगवान सिंह दरबार, रवि कुमावत, अंकित मंडलोई, जय बना, सुनील चंदोरे, पप्पू पंडित, राहुल देवड़ा अपने साथियों सहित शामिल हुए। 100% जिस प्रकार से अपने उपचुनाव के अंदर माननीय तुलसीराम सिलावट जी को और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को 54,000 की लीड से विजय दिलाई थी, इस बार हम इस 54,000 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और रिकॉर्ड मदों से हम सांवेर विधानसभा जीतने वाले हैं। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल और पंजे की है और इस विकास के पद के ऊपर हम माननीय तुलसीराम जी सिलावट को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिता के पुनः विधानसभा में भेजेंगे। भाजपा जो विकास प्रगति का नाम आपको पता है, जिस सड़क की आप बात करते थे वर्षों से क्या हालत है, जाम लगता है, कोई कर पाया था? भाजपा में दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो सांवेर का अंतिम सबसे बड़े कभी देखा आपने गार्डन जाकर? देखा कि नहीं आपने? एक बड़ी उपलब्धि सांवेर के लिए कॉलेज, एक नहीं दो कॉलेज सांवेर, मंडी, अस्पताल, सांवेर की बात कर रहा हूँ। ये विकास और प्रगति 182 गाँव में पहुँच रही है, काम होगा। दोपहर न्यूज़ के लिए सांवेर से शाकिर शेख की रिपोर्ट।